नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऐसा क्या हिंदी। दोस्तों, एमएस एक्सेल 2007 की सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि किसी रो या कॉलम को फ्रीज कैसे कर सकते कैसे करते हैं, एंड अपने एमएस एक्सेल के बैकग्राउंड को कैसे चेंज करते हैं। अगर आपने ये जाना है तो ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए, और मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब सोशल में इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें। इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, एंड्रॉयड, गूगल, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के बारे में मुफ्त वीडियो डाल रहता हूँ। और मेरे ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे ब्लॉग पर भी जा सकते हैं, ऐसा क्या हिंदी .blogspot.com। आइए देखते हैं। ये एक्सेल शीट है, जो कुछ डाटा मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है आपको डेमो दिखाने के लिए। यहाँ पे टॉप रो है, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट नेम हिंदी, इसको मैंने येलो कलर का किया हुआ है। इसको अगर आपने फ्रीज करना है तो कैसे करते हैं। अभी फ्रीज नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और आप ये चाहते हैं कि ये फ्रीज हो जाए, ये वाली रो स्टूडेंट नेम हिंदी इंग्लिश ये यहाँ पे बना रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको करना जाना पड़ेगा व्यूज़ पे। व्यूज़ पे विंडो सेक्शन में फ्रीज पैंस में जाना पड़ेगा आपको। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों प्रिया पे। अगर आपने ऊपर वाली रोज को फ्रीज करना है सारी को, तो यहाँ पे आपने प्रिया पे सिलेक्ट करना है। प्रिया पे सिलेक्ट करने के बाद फ्रीज पैंस पे जाना है, एंड यहाँ पे फ्रीज पैंस कर देना है। यहाँ पे पहले अनफ्रीज था, मैंने अनफ्रीज कर दिया था ऑलरेडी, यहाँ पे फ्रीज हो रखा था ये, और यहाँ पे मैंने अभी अनफ्रीज करके इसको फ्रीज कर दिया। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, जो स्टूडेंट नेम एंड हिंदी इंग्लिश वो आपको एडिट दिखाई दे रहा है। इसी तरह से दोस्तों, अगर आपने कॉलम को फ्रीज करना है, कॉलम को फ्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रीज फर्स्ट कॉलम, जो ये फर्स्ट कॉलम है इसको आप फ्रीज कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आप क्या देख रहे हैं, स्टूडेंट नेम ये फ्रीज हो गया। अगर डाटा आपका इस तरह कॉलम वाइज है तो आप इस रो को भी फ्रीज कर सकते हैं। अगर आपका डाटा जो कॉल रो वाइज है तो आप इस रो को फ्रीज कर सकते हैं। और अगर आपने बैकग्राउंड को चेंज करना है दोस्तों, बैकग्राउंड को कैसे चेंज करते हैं, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाने के बाद बैकग्राउंड में जाना आपने दोस्तों। बैकग्राउंड में जाने के बाद आपको जाना है, कोई पिक्चर वगैरह कुछ भी आप कर सकते हैं, जैसे जस्ट फॉर लाफ यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, ये बैकग्राउंड है, ये चेंज हो गया। कुछ भी लगा सकते हैं आप, यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह लगा सकते हैं आप, अट्रैक्टिव ये आपका बैकग्राउंड है जो अच्छा लगे थोड़ा सा। जैसे ये थोड़ा सा डार्क का आपको ज्यादा नजर आ रहा है, और यहाँ पे जो डिजिट है वो आपको दिखाई नहीं दे रहे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, होम पे जाना पड़ेगा। होम पे जाने के बाद आप इसको जो फॉन्ट कलर है उसको भी चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ पे फोन का कलर मैं चेंज कर देता हूँ, मैं फोन का कलर रख देता हूँ मैं जो दिखाई दे। एग्जांपल के तौर पे मैं रख देता हूँ, रेड कलर भी है, ब्लैक कलर भी है, वाइट कर देता हूँ मैं। क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सारे फॉन्ट हैं, ये फॉन्ट का कलर है वो वाइट हो गया। इसको आप पीछे डार्क भी कर सकते हैं, जो कलर रखना चाहें। ये जस्ट फॉर जो लाफ है ये आपको अलग अलग फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, जितने आप नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे, ये जितनी बड़ी पिक होगी आपकी, पिक्चर होगी उसके अकॉर्डिंगली ये सेट हो जाएगा। ये पिक्चर जस्ट फॉर लाफ काफी छोटा, ये जो पिक्चर थी वो काफी छोटी थी, इसलिए ये पार्टीशन में आ रहा है। अगर आप एक ही फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, एक ही फाइल में रखना चाहते हैं, जितनी बड़ी पिक होगी उतनी ही बड़ा बैकग्राउंड ये दिखाएगा, शो करेगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरा चैनल शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।